हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। छठवां रोजा आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये पांचवें रोजे की अफ्तार की वीडियो है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने बनाए थे मूंग दाल के पकौड़े, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखना, सच में आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो 5 से 6 घंटे के लिए दाल को गला कर रख दिया था, फिर जब दाल अच्छे से गल गई तो इसको हमने वॉश कर लिया था। इसके छिकल जो है वो हमने नहीं हटाए थे। 2 से 3 चम्मच हमने खड़ी दाल अलग से साइड में रख दी है। इसके बाद इस दाल को मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है और 5 से 6 हरी मिर्च यहाँ पर लिए, इस तरीके से इनको कट कर लिया है। इसी के अंदर 1 इंच अदरक का लंबा लंबा कट करके डाल देना है ताकि ये अच्छे से पिस जाए। अगर हम खड़ा अदरक ऐड करेंगे तो वो बारीक नहीं पिसेगा, इस वजह से थोड़ा सा इसको कट कर लिया है। बढ़िया से इसको पीस लिया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है ताकि दाल के जो चंक्स हैं वो हमारे मुंह में आए। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इस तरीके से पकौड़े लगते हैं। जब हम खाते हैं और दाल हमारे मुँह में आती है तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारे पकौड़े लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दाल को हमने अच्छे से पीस लिया, इसी तरीके से पूरी दाल को हमने अच्छे से पीस कर लिया है। और 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पर खड़ी दाल निकाली थी मगर इसको पीसा नहीं था। तो इसी के अंदर हमें ऐड कर देना है बढ़िया से 2 से 3 मिनट तक इसको, दाल और जो हमारी पिसी हुई दाल है इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और हल्की दाल हो जाएगी, इससे जो है ना हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आपको बढ़िया से इसको इस तरीके से फेंट लेना है। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप हाथ से भी फेंट सकते हो। दाल को अच्छे से 5 से 7 मिनट तक फेंट लेना है। 1 कप यहाँ भरकर हमने बेसन लिया है, बेसन ऐड कर देना है। 1 छोटा चम्मच हींग ऐड कर देना है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर नॉर्मल लाल मिर्ची ली है। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे, यहाँ पर थोड़ी सी हम सौंफ ऐड कर देंगे। और यहाँ पर लिया है हमने खड़ा धनिया, हाथ से बढ़िया से मैश कर लेना है, इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 बारीक कटी हुई प्याज ली है बड़ी साइज़ की, इसके अंदर हरा धनिया और हमें मिर्च काट कर ऐड कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिक्स कर लेनी है फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हो, क्योंकि दाल जब हमने पीसी थी तब भी हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है। इसके बाद लाल मिर्च जो है नॉर्मल वो भी ऐड किया और थोड़ी सी खड़ी हुई लाल मिर्च डाली हरी वाली, वो भी ऐड की है काट कर। तो अगर आप मिर्च नहीं खाते हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, तो मिर्च का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कम ही डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना, मिक्स कर लेना है। गैस पर रखी थी कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए ऑयल डालकर। इसके बाद छोटे छोटे पकौड़े हमें बना कर लेना है। तो जितने जितने छोटे आप बनाते हो ना, उस तरीके से आपको छोटे छोटे हाथ से पकौड़े बना लेना है। आपको चम्मच से नहीं बनाना है, चीज़ का ध्यान रखना है। हाथ से पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पकौड़े ऑयल में ऐड कर दी हूँ और 2 से 3 सेकंड के लिए बिल्कुल भी इनको चलाना नहीं है, जब तक पीछे से अच्छे से ये सिक नहीं जाते पकौड़े। इसके बाद हम चला कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प कुरकुरे हमारे सॉफ्ट स्पॉन्जी यहाँ पर मूंग दाल पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इनको थोड़ा और सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप भी इजीली इन पकौड़ों को घर पर बना सकते हो। तो ये देखिए कलर आप देख सकते हो इन पकौड़ों पर कितना अच्छे से आ चुका है। बस इस तरीके से हमें हल्का ब्राउन कलर कर लेना है, इसी तरीके से सारे पकौड़े हमें फ्राई कर लेना है। तो इन पकौड़ों को हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया हमारे पकौड़ों पर, इस तरीके से आप भी फ्राई कर लीजिए। चलिए ये हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, इनको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे हमारे पकौड़े लग रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगी मैं, जब मैंने पकौड़े बनाए थे ना फ्रेंड्स, उसमें थोड़ी सी मटर ऐड कर दी थी। आप चाहें तो उसमें हरी वाली प्याज है ना वो भी ऐड कर सकते हो, पालक ऐड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से हम जब पकौड़े बना के लेते हैं। क्योंकि जब अभी सीज़न है मटर का तो मटर भी आ रही है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े लगते हैं। ये सारी चीज़ें हम मिला देते हैं। अगर आपको नहीं मिलाना है तो आप स्किप कर सकते हो। दूसरा बेंच मैंने डाल दिया था ऑयल के अंदर, इनको भी अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। जिस तरह से पहला बेंच हमने फ्राई किया था, इसी तरीके से सारे पकौड़े हमें ऑयल के अंदर ऐड कर देना है और सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो इनको पलटी कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें देखो आप मटर भी दिख रही है। तो इस तरीके से हमें पकौड़े बनाकर लेना है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। जितने भी पकौड़े हमें बनाना है इस तरीके से आप इजीली घर पर बना सकते हो। बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारे पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। जिसको भी आप खिलाएंगे वो आपकी तारीफ जरूर करेगा। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारे पकौड़े यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे, कलर भी कितना अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा अंदर से क्रिस्प हमारे कुरकुरे। तो ये मूंग दाल पकौड़ा बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हो फ्रेंड्स। तो एक मैं आपको तोड़कर बताऊंगी अंदर से कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा ये मूंग दाल पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैं आपको तोड़कर बताऊंगी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जाली है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये हमारा मूंग दाल पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको टमाटर केचप या किसी और के साथ भी, सॉस वगैरह हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये हमारी वीडियो? यहाँ पर फिर मैंने बनाया था गाजर का हलवा, तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरी 2 किलो गाजर थी, इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। 1 बड़ा डेगचा ले लेंगे, उसके अंदर सारी किसी हुई गाजर को ऐड कर देना है। तो सारी गाजर को हमें डाल देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बस
गर्मी स्टार्ट होने वाली है, गाजर आ रही है, तो फ्रेंड्स मेरा मन कर रहा था एक बार और फिर से गाजर का हलवा बनाकर खा लूं, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद मैंने 1 लीटर यहाँ पर इसके अंदर दूध ऐड कर दिया था। जितना आप दूध डालेंगे ना उतना टेस्टी आपका गाजर का हलवा बनेगा, पानी का यूज नहीं करना। इसके बाद इसी के अंदर हमने टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दी है, 1 बड़े कटोरे से चीनी डाली है, क्योंकि मुझे मीठा ज्यादा पसंद है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने मीठा ज्यादा ऐड की है चीनी। आप चाहें तो कम कर सकते हो। 5 से 6 इलायची ली थी, इसको खोलकर थोड़ा सा कूट लिया था और ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैंने गाजर का हलवा बनाया है। सारी चीजें मैंने अभी ऐड कर दी हैं, बाद में कोई चीज ऐड नहीं करना, सिर्फ ड्राई फ्रूट वगैरह घी ऐड करना पड़ेगा। तो इसको चलिए अब गैस पर रख देते हैं, इसकी हम भुनाई कर लेते हैं। इसका जो भी पानी ड्राई रहेगा वो सुखा लेना है, जो भी पानी ये गाजर छोड़ेगी चीनी छोड़ेगी वो हमें पका कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने गैस पर पकने के लिए रख दिया था, इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको बार बार बताऊँ। रोजे से थे हम लोग तो बार बार शूट करना और हर चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इसका पानी मैंने पूरा अच्छे से ड्राई करके लिया था फ्रेंड्स, तो सारा पानी हमारा जल चुका था, बिल्कुल हलवा बनने के लिए तैयार हो चुका था फ्रेंड्स। बार बार मैंने इसकी शूट नहीं की क्योंकि रोजे से थे हम लोग और इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम मावा लिया था, वो ऐड कर देना है मावे से, जो हमारा गाजर का हलवा है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद 2 से 3 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाल देंगे। देसी घी से क्या है कि हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और हलवे की जान ही घी है। तो जितना अच्छा हम घी डालेंगे उतना टेस्टी हमारा हलवा बनकर तैयार होगा। और गाजर के हलवे में तो घी ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पर देसी घी ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट रहे वो ऐड कर दे। मोटा वाला नारियल का बुरादा रहता है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, वो सूट नहीं हो पाया। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको 5 से 7 मिनट तक और ड्राई कर लेना है। इसका जो भी मॉइस्चर है वो हमें खत्म कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से कस कर लेना है। और जब तक कसना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता, मतलब घी जो हमने डाला है वो नहीं छोड़ देता। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 5 से 7 मिनट तक और इसकी अच्छे से भुनाई करके लिए। जितना अच्छा भून कर लेंगे ना हलवा, पानी नहीं रहना चाहिए नहीं तो वो कचकच करता है मुंह में खाने में, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं हलवा इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और सारी फैमिली को मेरे हाथ का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा गाजर का हलवा बन चुका है। आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया, नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए बिल्कुल भी लगा नहीं है। अंदर से आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस किस का यहाँ पर फेवरेट है गाजर का हलवा। मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरा तो फेवरेट है। यहाँ पर मैंने डिनर में बनाया था कोफ्ते की सब्जी, तो आप देख सकते हो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी। इसकी फुल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहां पर जा सके देख सकते हो कि मैंने कोफ्ते की सब्जी किस तरीके से बनाई थी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है ये खाने के लिए। मटन के कोफ्ते थे फ्रेंड्स, और मटन के कोफ्ते बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने के लिए। ऊपर से गार्निश कर दिया था धनिया पत्ता से, गर्म मसाला से। तो ये हमारी कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी थी डिनर के लिए, और इसको हम सहरी में भी खाने वाले थे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दुआ में जरूर याद रखना। जो भी मुस्लिम भाई बहन मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग मुझे दुआ में जरूर याद रखना, मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे बच्चों के लिए, सारे आलम के लिए दुआ करना। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी स्पाइसी हमारे मटन कोफ्ता की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये सारी चीजें थी 5वें रोजे के अफ्तार में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक।